तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो मैंने अपने गेम में न्यू फोन ले लिया है और इसमें काफी ज्यादा ऐप हमें देखने को मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप अपनी गेम में न्यू आईफोन को कैसे ले सकते हो, क्योंकि हमारे गेम में से पुराना वाला मोबाइल रिमूव कर दिया गया है और नया वाला मोबाइल फोन हमें दे दिया गया है। और गाइस आज की वीडियो में आप सभी को ये भी बताऊंगा कि आप सभी लोग अपने गेम में ओमनी वैन को कैसे ले सकते हो। आप सभी लोग देख सकते हो मैं अपनी गेम में ओमनी वैन को ड्राइव कर रहा हूँ, तो आज इसका चीट कोड मैं आप सभी को भी बताने वाला हूँ। तो गाइस अभी हमारे गेम के कंट्रोलर को भी चेंज कर दिया गया है। और दोस्तों आज की वीडियो में आपसे को सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप सभी लोग अपनी गेम में ओमनी वैन को ले सकते हो। हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद न्यू गेम प्ले वीडियो। तो दोस्तों आज की गेम प्ले वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप सभी को न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि आप सभी लोग अपने गेम में आईफोन को कैसे ले सकते हो और ओमनी वैन को कैसे ले सकते हो। और दोस्तों ओमनी वैन को लेने की सीक्रेट ट्रिक भी मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से बता दूं कि हमारे गेम में जो अभी न्यू अपडेट आए थे उसमें हमें आर्मी टैंक देखने को मिला था और साथ ही साथ एक बेबी डायनासोर देखने को मिला था। लेकिन अब जो हमारे गेम का अपडेट आने वाला है वो बहुत ज्यादा फाड़ू अपडेट आने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं अभी आप सभी से बता दूं कि इस बार के न्यू अपडेट में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलने वाली है। गाइस पहले तो हमें इस बार के अपडेट में आईफोन देखने को मिलने वाला है न्यू, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ओमनी वैन देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों चार सुपर कार हमें अपने गेम में देखने को मिलने वाली है, एक मस्टैंग कार है और एक सुपरा कार है। अभी दो कारों के नाम मुझे पता नहीं है, जैसे ही उनके नाम मुझे पता चल जाएगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा। और हाँ दोस्तों, इन सुपर कार के अलावा हमें अपनी गेम में एक सुपर बाइक भी देखने को मिलने वाली है, जिसके बारे में अभी डेवलपर ने हमें नहीं बताया है। जैसे ही वो हमें बाइक की पिक या फिर उसकी कोई जानकारी देंगे तो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी लोग अपने गेम में ओमनी वैन को कैसे ले सकते हो। गाइस अभी हमारे गेम में ओमनी वैन को ऐड किया जा रहा है, जैसे ही ये बर्क खत्म हो जाएगा तो हमारे गेम का न्यू अपडेट आ जाएगा और उसमें हमें ओमनी वैन देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसे सीक्रेट ट्रिक की मदद से लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों ओमनी वैन लेने की सीक्रेट ट्रिक ये है, उसके लिए आप सभी लोग मेरी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी ओमनी वैन का अपडेट आएगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा और आप सबसे पहले ओमनी वैन को ले लोगे। तो चलिए मैं अब आप सभी को बता दूं कि आप सभी लोग अपने गेम में न्यू फोन को कैसे ले सकते हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी को अपने गेम की एक गुड न्यूज दे देता हूँ, और वो गुड न्यूज ये है कि गाइस इस बार के अपडेट में हमें अपने गेम में ज़ॉम्बी मोड भी देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों हो सकता है कि हमें इस बार के अपडेट में न्यू हाउस और न्यू हेलीकॉप्टर भी देखने को मिल जाए। तो गाइस आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप सभी को ये अपडेट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप सभी को ये सारे अपडेट चाहिए तो जल्दी से वीडियो में कमेंट कर दो और न्यू हाउस के लिए भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दो, ताकि अपडेट हमें जल्दी देखने को मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं आप सभी के लिए एक से एक न्यू अपडेट की वीडियो लेकर आता रहता हूँ और आप सभी को सबसे पहले न्यू अपडेट के बारे में बताता रहता हूँ। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप सभी लोग अपने गेम में आईफोन को कैसे ले सकते हो। तो गाइस अभी तक हमारे गेम में कोई भी फोन ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि अभी मोबाइल को लेकर रोहित गेमिंग स्टूडियो कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल का कोई अभी मॉडल अवेलेबल है ही नहीं। और आप सभी लोग भी ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हो मोबाइल के अपडेट को लेकर, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मोबाइल के लिए कमेंट करो, ताकि न्यू मोबाइल भी हमें रोहित गेमिंग स्टूडियो इस बार के अपडेट में दे दें। तो चलिए मैं अब आप सभी को बता दूं कि अपडेट हमें कब देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस ये सारे अपडेट हमें 15 नवंबर को देखने को मिलने वाले हैं अपने गेम के। 15 नवंबर को अपडेट हमें इसलिए देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि गाइस इस बार के अपडेट में काफी सारी चीजें ऐड की जा रही हैं, तो जिन्हें ऐड करने में काफी टाइम भी लग रहा है, तो इसलिए सारा अपडेट हमें 15 नवंबर को ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग।